रक्षाबंधन का पुराना नाम श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता था रक्षाबंधन एक रिलेटिवली नया नाम है और नया फेस्टिवल है पर इंटरेस्टिंगली आज के ये जो श्रावणी पूर्णिमा बहुत सारे फेस्टिवल्स के पर्व का एक कलेक्शन है एक तो श्रावणी पूर्णिमा इसकी क्या इंपोर्टेंस हम जानेंगे पूरे देश में देश से बाहर लोग धार्मिक लोग इस दिन श्रावणी उपाकर्म करते हैं स्वाध्याय का पर्व है दूसरा रक्षाबंधन के रूप में भाई और बहन की जो प्यार है जो रिश्ता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं तीसरा पर्व इस दिन होता है इसको बलराम जयंती जैसे आप अगले हफ्ते जन्माष्टमी मनाएंगे श्री कृष्ण का जन्मदिन तो उनके बड़े भाई बलराम का जन्म श्रावणी पूर्णिमा के दिन है तो उसे बलराम जयंती और अलग अलग जगह पर कहीं इसको गोवर्धन जयंती मतलब क्योंकि बलराम का संबंध हल चलाने से खेती से और गाय बैल से था तो इसको कहीं कहीं गो पूजा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है गो पर्व के रूप में और एक चौथा जो रिसेंटली जोड़ा गया है वो है संस्कृत पर्व जो संस्कृत लैंग्वेज भाषा वो संस्कृत दिवस वर्ल्ड संस्कृत डे या विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी श्रावणी पूर्णिमा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और, और प्रमोट किया जाता है तो चार पर्वों का ये खूबसूरत मिक्सचर है पब्लिक में आम लोगों में खास करके नॉर्थ इंडिया में रक्षाबंधन के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है पर हमें उन चारों के जो चारों एस्पेक्ट है आज के दिन का वो पता होना चाहिए तो पहली चीज बात करेंगे श्रावणी पूर्णिमा की क्योंकि इस पर्व का पहला जो नाम है वो श्रावणी पूर्णिमा श्रावण मास की पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा श्रावण मंथ आप जानते हैं। भारत में जो छे रितु है, होते हैं तो उसमें जो वर्षा सीजन है उसमें श्रावण सबसे बड़ा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश श्रावण में होता है इस मास को श्रावण क्यों कहा जाता है वो समझे तो ये फेस्टिवल का इंपोर्टेंस भी समझ में आए एक तो श्रवण नक्षत्र में ये मास पड़ता है इसलिए श्रावण पड़ता है दूसरा ये श्रावण मास में तीन आवाज बार बार श्रवण में आता है सुनने में मिलता है श्रवण का मतलब सुनना होता है और तीन चीजें हम इस श्रावण मास में कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली सुनते थे सुनते थे आजकल तो दुनिया बदल गया सिस्टम बदल गया सोसाइटी बदल गई वेदर भी बदल गया हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन काल तो नहीं बहुत आज भी रूरल एरिया में भी और कुछ स्पेसिफिक गांव में भी ये तीन आवाज आज भी सुन सकते हैं तो पहली चीज ये है कि बारिश इसमें खूब होता है तो बारिश की जो झमझमझम आवाज है झमाझम जम आवाज है वो सुनाई देता है दूसरा जब बारिश होने लगती है तो मेंढक टर्र टर्र करते रहते हैं चारों तरफ शहरों में कम देखने को मिलता है आज भी गांव में खेतों में जहां पानी भरा हुआ होता है तो चारों तरफ घर के चारों तरफ मेंढकों के आवाज आते तीसरा जो ब्राह्मणों के वेद पाठ के आवाज वेद पाठ के ध्वनि सुनाई देता था क्यों सुनाई देता था उसकी चर्चा हम करेंगे तो ये तीन चीजें कॉन्स्टेंटली क्योंकि सुनाई देता था इसीलिए इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा ऋग्वेद में बड़ा प्यारा मंत्र आता है शशयाना ब्राह्मण ब्रतचारिण वाचम पर्जन्य जिन्वताम प्रमंड साल भर सोए हुए सोए मतलब इनएक्टिव रहे दो प्राणी इन दिनों जैसे ही पर्जन्य पर्जन्य कहते हैं बारिश को बारिश की आवाज के साथ अपनी आवाजें मिलाने लगे कौन थे एक तो ब्राह्मण और एक मंडूक मंडूक मतलब मेंढक फ्रॉग <laughs> तो समझ में आता है बारिश में टरक टरक करता रहता है जब बहुत बारिश होने लगे तो चारों तरफ मेंढक फैल जाते हैं और आवाज करते रहते हैं ये समझ में आता है जो समझ में हो सकता है आपको ना आए कि ये ब्राह्मण कहाँ आ गए बारिश के मौसम में ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी विद्वान शास्त्रों को जानने वाला हम वो मिश्रा शर्मा की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल में ब्राह्मण जो ज्ञानी या विद्वान या पढ़ने लिखने वाले आज की भाषा में कहें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो लर्नड पर्सन हैं जिनका पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखवाना सुनना सुनवाना जिनका काम है एक चीज मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा जोड़ा लिखना लिखवाना क्योंकि प्राचीन काल में लिखना लिखवाने की ट्रेडिशन नहीं था तो वो ब्राह्मण है तो साल भर तो व्यस्त है अपने कार्य करने में अब हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त है व्यस्त है तो जो वानप्रस्थी है सन्यासी है ब्रह्मचारी है और जो ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है जो पढ़ने लिखने से रिलेटेड ये बारिश के मौसम में कहीं आ जा नहीं सकते कहीं काम के लिए जा नहीं सकते आ नहीं सकते वह आजकल के समय तो है नहीं हर जगह फूल है ब्रिजेस हैं, हजार दो हजार पांच हजार साल पहले आपको कहीं जाना होता था तो मौसम भी ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि नाले हैं नदियां हैं जंगल है जानवर है कहा तो बारिश में कहा जाएंगे जहां है वही पार नहीं कर सकते तो विद्वान ज्ञानी लोग कहीं आ जा नहीं सकते थे सन्यासी लोग ऋषि लोग तो किसी एक जगह वो रुक जाते थे चार महीने तक चार महीने की बारिश होती थी इसलिए इसको कहते हैं चातुर्मास्य वो अपने गांव में भी रुक सकते हैं अपने जहां रहते थे या कहीं दूसरे जगह गए हैं आ नहीं सकते तो वहीं रुक गए चार महीने चार महीने रुक के क्या करेंगे ताश खेलेंगे जुआ खेलेंगे टीवी देखेंगे क्या करेंगे नहीं जो पहले से पढ़ा हुआ था उसकी जुगाली करेंगे जुगाली समझते हैं संस्कृत में हम उसको कहते हैं पारायण करेंगे अब आठ महीने तक तो टाइम नहीं है आप व्यस्त है अपने काम में ये चार महीने होता है आपकी पढ़ी हुई विद्या को रिवि री, रिवाइज करो रिकल करो दोबारा आप उनको पढ़ो याद करो पारायण करो तो एक ही जगह रह के वो ब्राह्मण सन्यासी ऋषि विद्वान तो वो बारिश के मौसम में कहीं आना जाना नहीं तो घर में रह के सुबह शाम तक पाठ वेद पाठ मतलब सिर्फ वेद नहीं शास्त्रों को पढ़ना पारायण करना रिवाइज करना या करते रहते थे गांव वालों की इसकी ध्वनि तभी सुनाई देती थी क्योंकि बाकी दिनों में तो कोई जंगल में है कहां आश्रम में है कौन कहां पर है कोई ठिकाना नहीं ये चार महीने ही होते थे जहां गांव वालों को या रहने वालों को ब्राह्मणों की ध्वनि सुनाई देती थी तो श्रावण मास में शास्त्रों का वेदों का भी श्रवण होता था मेंढकों के आवाज भी सुनाई देती थी और बारिश की आवाज भी सुनाई देती थी इसे कहते तो ये एक तरह का स्वाध्याय, पर्व होता था। स्वाध्याय का दिन सीजन ऑफ सेल्फ स्टडी आपको ये मौका मिलता था आपके पास काम कम होता था जैसे ये समर का वैकेशन होता है ना बहुत सारे लोगों में ये बात आती होगी कि बाकी प्रोफेशनों में छुट्टी कम होता है पर जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले होते हैं इनको समर वैकेशन दो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही होता है भारत में भी दो ढाई महीने से कम नहीं होता है और भी विंटर के स्प्रिंग के आप जो बाकी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं कहाँ आपको इतनी छुट्टियां मिलती है। इनको क्यों मिलती है मजा आता होगा अगर जो मजा करना चाहे वो करते हैं छुट्टियों का कारण यही था कि जो प्रोफेसर है टीचर है जो एकेडमिक एक्टिविटीज है पढ़ाना लिखाना पढ़ाता लिखाता रहेगा फिर उसकी जो जो उसकी सोर्स है वो तो खत्म हो जाएगा उसको हमेशा उसको रिवाइज करना है फुल करना है उसकी टांकी उसकी टांकी फुल करने के लिए उसको भी मौका चाहिए वो खूब खूब पढ़े रिसर्च करे जिससे कि वो जब नए सेशन में क्लास को जाए उसके पास अपडेटेड नॉलेज हो ज्ञान हो टेक्निक हो रिफ्रेश होकर के जाए ज्ञान कभी भी कोई व्यक्ति कहे कि मैं पंद्रह साल बीस साल पहले पढ़ा था मैं ज्ञानी हूं तो झूठ है हो ही नहीं सकता नॉलेज हमेशा अपडेट मांगता है रिवाइज मांगता है मतलब आप कितना भी पढ़े लिखे हो कितने भी स्मार्ट हो टैलेंटेड हो कितना भी पढ़ा होगा कोई फायदा नहीं अगर आप वो उसको आप यूज नहीं करते तो उसको आप दुबा, बार बार जुगाली नहीं करते हो वो तो संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है विना विषम विद्या ज्ञान जहर हो जाता है अगर प्रैक्टिस में ना हो बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं श्रावणी पूर्णिमा उसी स्वाध्याय का को रिप्रेजेंट करता है सेल्फ स्टडी को आप किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे होते हैं किसी सेमिनार में नहीं पढ़ रहे होते हैं किसी सत्संग में नहीं पढ़ रहे होते हैं आप खुद पढ़ रहे हो और उस स्वाध्याय को याद रखने के लिए कि स्वाध्याय तुम्हारे लिए जरूरी है सेल्फ स्टडी जरूरी है ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं श्रावणी पूर्णिमा के रूप में इसी श्रावणी परिणि पूर्णिमा के दिन से ज्यादातर गुरुकुलों में वेदारंभ हुआ करता था मतलब पढ़ाई शुरू होती थी आज भी आप देखेंगे दुनिया भर में कमो वयस सब जगह नहीं पर मोस्ट ऑफ जगह जो समर के बाद जो क्लासेस शुरू होती हैं जुलाई अगस्त में ही शुरू होता है तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें वही श्रावण के आसपास ही शुरू होता है नया सेशन तो प्राचीन काल गुरुकुल में भी इन इसी श्रावण पूर्णिमा से वेदारंभ शुरू वेदारंभ मतलब पढ़ाई लिखाई फॉर्मल पढ़ाई लिखाई शुरू करना आरंभ होता था इस श्रावणी पूर्णिमा में आज भी ट्रेडिशनली दो चीजें की जाती हैं पहली चीज जनेऊ जो पहनते हैं वो जनेऊ बदलते हैं या जिनको नया जनेऊ पहनना है तो आज के दिन भी पहनते हैं। दूसरा इस दिन हम तर्पण करते हैं। ये जो जनेऊ बदलना ऋषि ऋषि तर्पण करना इन दोनों को मिला के हम कहते हैं श्रावणी उपाकर्म जनेऊ बदलना जनेऊ का संबंध उसी से है अध्ययन से पढ़ने लिखने से जनेऊ संस्कार भी होता था कि व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के लिए जब इलिजिबुल हो जाए जब गुरुकुल में या स्कूल में उसका एडमिशन हुए वो एडमिशन का जो इनिशिएशन है उसी को हम उपनयन संस्कार कहते थे आज भी जब आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपका ओरिएंटेशन होता है और आपको आइडेंटिटी कार्ड और बहुत सारे चीजें मिलता है कि आप जब पढ़ने लिखने जाओगे तो आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है प्राचीन काल में जनेऊ पहनना और बलकल पहनना ये दोनों जरूरी हुआ करता था वो जनेऊ किसका किसका वो साइन है मार्क है पढ़ने लिखने का तो जनेधारी को क्या बोला जाता है द्विज बोला जाता है द्विज समझते जिसका दोबारा जन्म हुआ है एक तो मां के पेट से बच्चा जन्म होता है और मां के पेट से जन्म हुआ बच्चा इग्नोरेंट होता है मूर्ख होता है अबोध होता है जब वही बच्चा गुरु के पेट से पैदा होता है तब वो एक दूसरे तरह का बच्चा होता है मान लीजिए मैं जब पैदा हुआ मां के पेट से अगर आज भी मैं वैसा ही होता उतना ही कोरा अबोध इग्नोरेंट इलि, होता इलिट्रेट होता तो तो मेरे लाइफ में तो मैं फिर वैसा ही होता बच, बच्चों की तरह पर मैं वैसा नहीं हूं क्यों क्योंकि मैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा वो कौन था गुरु के थ्रू गुजरा वो अथर्वेद में कहते हैं कि मानो जैसे माँ पेट में रख करके उसको बड़ा करके पैदा करती है उसी तरह गुरु अपने गुरुकुल या या स्कूल कॉलेज रूपक पेट में बच्चे को करके पैदा करता है तब वो दोबारा जन्म होता है वो बच्चा फिर कैसा होता है एजुकेटेड होता है और एजुकेशन छोटी चीजें नहीं है ज्ञान रखना दुनिया में हमारे शास्त्रों के हिसाब से इग्नोरेंट होने से बड़ा क्राइम कुछ भी नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं होता है दुनिया में अगर कोई सबसे दुखी है वो अज्ञानी है। अज्ञानी है है समझते इग्नोरेंट और इसको समझाने की जरूरत नहीं हमें सबको पता है जिस चीज का ज्ञान नहीं है उस चीज के बारे में हम कितना सफर करते हैं तो जने उसको रिप्रेजेंट करता है कि आप ज्ञानी हो पढ़े लिखे हो या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो करता था श्रावणी उपाकर्म श्रावणी पूर्णिमा क्योंकि स्वाध्याय का पर्व है सेल्फ स्टडी का फेस्टिवल है तो जनेऊ से शुरू किया जाता था आज भी करते हैं। पर आज आप वो कोई जनेऊ तो चेंज कर देते हैं पर पढ़ने लिखने वाले कम होते हैं वो लोग जो करते हैं वो भी आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते एक दूसरा आज जो करते हैं लोग वो है ऋषि तर्पण ऋषि तर्पण के नाम पर किसी नदी में जाते हैं जैसे पितरों को तर्पण करते हैं ना अब वो पानी अंजलि में लेते हैं वैसे डाल देते हैं तर्पण ये तर्पण नहीं है तर्पण का मतलब होता है खुश करना तृप्त करना सेटिस्फाई करना किसको सेटिस्फाई करते हो पानी डाल के ऋषि 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 का तृप्ति क्यों कराना है ऋषि किससे तृप्त होता है जब आप जनेऊ पहनते हैं कितनी धागा होती है आपके जनेऊ में तीन धागे क्यों तीन चीजें याद दिलाने के लिए ऋण माँ बाप का ऋण तुम्हारे ऊपर है देव ऋषि ऋण ऋषियों का देव तुम्हारे ऊपर है देव ऋण नेचर और परमात्मा इनका ऋण भी तुम्हारे ऊपर है आज हम बाकी दो की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज ऋषि पर्व है तो ऋषि की बात करेंगे ऋषि कौन है मिला कंटेंपरेरी हुए में बात करें ऋषि का मतलब जो जो ज्ञान हमारे तक पहुंचाया इंडियन ट्रेडिशन में ऋषि ज्ञान की दृष्टा को द सीयर सब ट्रुथ को ऋषि कहते हैं जिन्होंने वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद शास्त्रों को हमारे लिए लिखा लिखवाया या बताया जिन्होंने ज्ञान को जाना और उस ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने के लिए इतने इशारे टेक्स्ट बुक या स्क्रिप्चर्स बनवाए आज की भाषा में कहें कोई भी व्यक्ति जहां से हमें ज्ञान का जो भी ज्ञान का सोर्स है ऑथर है राइटर है बोलने वाला है स्पीकर है टीचर है वो सब उस ऋषि ऋण में आ जाते हैं जिनके कारण से हमारे तक ज्ञान पहुंचता है उनका डेप्ट उनको खुश कराना हमारा काम है ये हमारा है कैसे उनको प्रसन्न कराए बोले पांच किलो आ, आ, आम भेज बोले नहीं, खुद, पढ़ो. <laughs> खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाने पढ़ाओ अगर पढ़ा नहीं सकते हो तो मेक श्योर sure करो कि तुम्हारे कारण कुछ लोग पढ़ रहे उनको फैसिलिटेट करो पढ़ाने के लिए तुम्हारा ऋषि ऋण तो ऋषि की तृप्ति होती है जब ज्ञान फैल रहा होता है हम ही ज्ञान को नहीं नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं हैं हम हम ही ही पढ़ लिख स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं दूसरों को भी नहीं ना पढ़ा रहे हैं ना कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारे कारण कुछ जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, वो पढ़ जाए तो फिर क्या ऋषि तर्पण वो पानी देख के जनवरी पहन के क्या फायदा पर इतना है कि वो लोग आज भी उस प्राचीनतम पर्व को जिंदा रखे हैं इसीलिए उनको धन्यवाद करना चाहिए नहीं तो हम मॉडर्न फेस्टिवल के नाम पर अपनी सारे पुराने फेस्टिवल को तो दफना चुके हैं रक्षाबंधन राखी उसकी जगह ले लिया अब श्रावणी पूर्णिमा श्रावणी उपाकर्म अब बहुत कितने लोगों को पता भी नहीं तो जो लोग पालते हैं उनको धन्यवाद करने की जरूरत है इसकी जरूरत क्या है इसकी जरूरत तभी समझ में आएगी जब हम अपनी सोसाइटी या रिलीजियस स्पेक्ट्रम को देखें क्यों हमारे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रिलीजन के मामले में हम मोस्ट ऑफ सुपरस्टिशियंस फॉलो करते हैं एक ही कारण है स्वाध्याय नहीं है हम कुछ नहीं जानते हैं अपने रिलीजन के बारे में हमारे घर में पंडित जी जो पूजा करते क्यों करते हैं हमें कुछ नहीं पता जो सेलिब्रेशन होता है क्यों होता है हमें कुछ नहीं पता हमारे फेस्टिवल्स क्यों होते हैं हमें नहीं पता शादी क्यों की जाती है हमें नहीं पता हमें उतना पता हमारे घर में जो पंडित जी जो खुद भी अपने आप में बड़े मूर्ख होते हैं ज्यादातर पंडित लोग पुरोहित लोग वो भी उनसे भी हम नहीं पूछते अगर कभी हमारी दया हो गई हमारे ऊपर पंडित जी से पूछ लिया पंडित जी ने उलटपटांग कुछ बता दिया दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ रिलीजन उसका परिणाम क्या है नाइंटी परसेंट रिलीजियस पीपुल आर सुपरस्टिशियस तो तुम्हारा मेरा अंधविश्वास का मूल कारण है हमारा पढ़ाई लिखाई ना होना और वैसे भी क्योंकि हम इंडियन लोगों की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सोसाइटी में बात करते हैं इसलिए उन्हीं की बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में पढ़ना लिखना आज भी इतना पॉपुलर नहीं है आप कहेंगे ऐसा क्यों कहेंगे हम सब पढ़े लिखे पढ़े लिखे पैसा कमाने के लिए पढ़े लिखे हैं मतलब तो हमने इसीलिए हमारे माँ बाप भी पढ़ाते हैं इसीलिए नहीं कि भाई ज्ञानी बन जाए इसीलिए कि बड़ा बन के पैसा कमाएगा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा लॉयर बनेगा सीए बनेगा कुछ बनेगा तो पैसा कमाएगा या नाम होगा फेम होगा और जब हम पैसा कमाने लग जाते हैं या हमारा जॉब लग जाता है फिर हमारे घर में बुक्स तो दूर की बात मैगजीन तक भी पढ़ने को बहुत कम लोगों पास राजी है तो पढ़ना लिखना हमारे फितरत में नहीं है जब हम छोटे हुआ करते थे मतलब आज से 25-30 साल पहले ट्रेन में या ट्रेन में कहीं जाते थे तो ये हम तो सबको गोरे कहते थे जो भी यूरोप आए अमेरिका आए ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी आए तो गोरे लोगों को देखते थे अगर ट्रेन में कोई बैठा हुआ है जो होते ना घूमते फिरते रहते हैं लेकर और वो सीट पर बैठ जाएंगे इतना मोटा सा बुक लेकर पढ़ने लग जाएंगे ठीक है वो कॉमिक्स होता है या नॉवेल्स होता है कुछ भी होता है पढ़ने बैठ जाता और कोई इंडियन बैठ जाएगा गॉसिप करने लग जाएगा या सो जाएगा बुक देखते ही हमें एलर्जी होती है मैं जब हमें कहता हूं मोस्ट ऑफ इंडियंस को वो आप में से कोई पढ़ा लिखा होगा फिर कहोगे जी मैं तो पढ़ता आपकी कोई भी 50 हो, वो होता है, बाकी एक्सेप्शन माने जाते हैं अगर तुम्हारे सोसाइटी में मोर देन एसेंट लोग पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रखते तो जब कोई बात करेगा पूरी सोसाइटी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रखता पीपल स्पीक तो अगर कोई पढ़ लिख लेता है तो बुरा मत मानना ये ये एक्सेप्शनल केसेस होता है और उसका रिजल्ट क्या है हम, है हम ठीक पैसा कमाने वाले पिछले सत्तर साल के इंडिपेंडेंट देश में काफी सो कल्ड एजुकेटेड तो पैदा किया जो पैसा कमा सकते हैं जो प्रोफेशनल नॉलेज रखते हैं पर उनको जनरल नॉलेज बहुत कम होता है किसी भी मामले में बहुत कम आपको इंजीनियर्स मिलेंगे डॉक्टर्स मिलेंगे कोई भी कोई भी किसी भी फील्ड में लॉयर्स मिलेगा, जिसको अपनी सोसाइटी का कोई सोशियल, सोशियल साइंस का हल्का ज्ञान हो जो कॉमन सेंस में समझ आता है रिलिजन का ज्ञान हो फिलोसफी का ज्ञान हो नेशन का कुछ नहीं बस अपना प्रोफेशन अपना बीबी बच्चे परिवार नाम धाम बस स्वाध्याय न करने का नुकसान हम एक तरह के एजुकेटेड एनिमल बन जाते हैं जो इसीलिए पढ़े लिखे पैसा कमाए एंजॉय करें देखेंगे सभी चर्चों में बाइबल पढ़ना पढ़ाना समझाना समझाना जरूरी है आप बाकी वर्शिप कितना करते नहीं करते दैट्स ए डिफरेंट थिंग प्रवचन होना बाइबल पढ़ना करना ये उनकी कल्चर है नॉलेज कल्चर है और हमारे मंदिरों में ज्ञान की बातें करना पाप माना जाता है मतलब इन द सेंस अंदर से नहीं प्रैक्टिकली पाप ही समझते हैं कोई ज्ञान की चर्चा अलाउ नहीं करते किसी भी मंदिर में इसीलिए मोस्ट ऑफ हिंदू लोग अपने रिलीजन के मामले में रियली पोंगापंथी होते हैं और अन्य से से रिआर्ग्यू करेंगे फालतू की चीजों का समझ में आया स्वाध्याय कितना जरूरी है प्राचीन काल में शिष्य पढ़ लिख करके गुरुकुल से बाहर जाता था ना मतलब जिसको आप कहते हैं ग्रेजुएशन करके जब बाहर जाता था तो गुरु उसको एक लास्ट उपदेश के रूप में कुछ देते थे उसको हम कहते हैं समावर्तन उपदेश समावर्तन संस्कार तो जाना होगा जिसको यहाँ अमेरिका में आप ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन कहते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन होता है सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं जो चांसलर या डीन या प्रिंसिपल का स्पीच होता है प्राचीन काल में गुरुकुल में गुरुकुल के जो आचार्य वो ग्रेजुएशन के दिन जो स्पीच देते थे उसमें बहुत सारे ऐसी उपदेश देते थे कि यहां से निकलने के बाद आपको कैसे लाइफस्टाइल जीना है क्या करना है बहुत सारी बातें उसमें होती थी उसमें एक चीज रिपीटेडली वो बोलते थे स्वाध्यायान मा प्रमद सेल्फ स्टडी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न कभी भी पढ़ना या ज्ञान लेना और उसको बांटना शेयर करना इन चीजों के मामले में कभी कोई प्रमाद नहीं करना कोई इग्नोर नहीं करना गुरु कहता है कुछ भी करो यहां से निकल के जाओगे तुम जो भी करना है करो पर स्वाध्याय किसी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना रीतम चय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च रीत यूनिवर्सल ट्रूथ को तुम मानोगे पालोगे ठीक है पर मत सोचना कि दैट से न स्वाध्याय प्रवचन भी जारी रखना प्रवचन मतलब बताना जो जानते हो तो उसको शेयर भी करना जरूरी है तभी तो ज्ञान फैलेगा तुम सच्चा हो कहो कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूं मैं ऑनेस्टी को फॉलो करता हूं बड़ा ट्रूथफुल हूं मुझे क्या पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं बोले सच्चा भी बनो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ कंप्रोमाइज मत करना तपस तपस्या स्वाध्याय प्रवचने तपस्या करो पर स्वाध्याय प्रवचन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना दमश्च स्वाध्याय प्रवचने अशमश्च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो इंद्रियों को कंट्रोल करते हो बोलो देखो मैं तो जितेंद्रिय बन गया मैं तो योगी बन गया पर तब भी स्वाध्याय प्रवचन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना अग्नि में आहुति देते हो मैं तो अग्निहोत्री हूं रोज सुबह शाम यज्ञ करता हूं आहुति देता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्वाध्याय प्रवचन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना मैं तो अतिथि यज्ञ करता हूँ तब भी स्वाध्याय प्रवचन के साथ को नहीं छोड़ना मानुष यज्ञ करता हूँ तो भी स्वाध्याय प्रवचन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना घर गृहस्थी बच्चा पैदा करता हूं तो भी स्वाध्याय प्रवचन के, तो के साथ करना तुम लाइफ में कुछ भी करते हो किसी भी फील्ड में कैसा भी काम करते हो पढ़ना लिखना मतलब सेल्फ स्टडी में को जरूर जारी रखना लास्ट में एक डिबेट बताया सत्यमेति सत्यवचारातितर मतलब रातितर नामक एक ऋषि कहते हैं क्योंकि वो सत्यवादी हैं ट्रुथ स्पीकर हैं कितने नहीं सत्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच्चा बोलना तप इति तपोनित्य पौरुशिष्टः पौरुशिष्टी पौरुशिष्टी नामक एक ऋषि जो बड़े तपस्वी थे वो कहा करते थे कि नहीं तपस्या सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान रखता है कि मोर इम्पोर्टेंट तपस्या बाकी चीजें करो ना करो तपस्या जरूरी करना हैं कुछ करो ना करो सच जरूर सत्य जरूर रखना स्वाध्याय प्रवचने और मौदुगल्य ऋषि कहते नहीं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस स्वा पढ़ना पढ़ाना तथित तप तति तप और हमारा मतलब जो गुरु इसको तैतरे उपनिषद का गुरु कर रहे हैं हमारा भी यही मानना है स्वाध्याय प्रवचन जारी रखो यही तुम्हारी तपस्या का हेल्प तपस्या बनेगी यही तुम्हारा सच्चाई का भी साथ देगा ये तुम्हारे हर काम के लिए तुम्हारे साथ देने वाला बनेगा तो कहने का भाव है कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है श्रावणी पूर्णिमा उस स्वाध्याय के इंपोर्टेंस को महत्व को सेलिब्रेट करने का नाम है उसको रिमाइंडर है कि मुझे आज जैसे आप नए साल में बनाते हैं ना रेजुलेशन कि इस साल भर मुझे ये करना है। पालते नहीं पालते कितना कंटिन्यू करते हैं दैट्स डिफरेंट थिंग पर ज्यादातर लोग नए साल के दिन कुछ ना कुछ एक रेजुलेशन बनाते हैं कि मैं आगे से ये ध्यान करू, करूंगा ये करूंगा श्रावणी पूर्णिमा सेल्फ स्टडी को स्वाध्याय का रेजुलेशन बनाने का नाम है पढ़ाई शुरू करो पढ़ो स्वाध्याय करो हाँ वो अलग बात है हमारे हाँ, ऋषि मुनि जिस जिसको स्वाध्याय कहते थे वो एक 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 प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में कहते थे और उनका कहना है सत्य शास्त्राणाम अध्ययन ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिससे सत्य को ट्रूथ को रियलिटी को जाना जा सके है ना मैं कौन हूँ संसार क्या है यूनिवर्स क्या है कैसे फंक्शन करता है इन सब चीजों को पढ़ना खुद पढ़ना स्वाध्याय कहते हैं और स्वाध्याय का और जो एक डीप सेंस लोग फॉलो करते हैं वो है कि सेल्फ स्टडी स्टडी योर सेल्फ खुद को भी पढ़ना आत्मचिंतन करना थिंकिंग अबाउट सेल्फ मेरे अंदर क्या चेंजेस कर सकता हूँ क्या चेंजेस हो रहा है मैं क्या हूँ वगैरह वगैरह श्रावणी पूर्णिमा उस स्वाध्याय का सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन नाम है है अब हम हम चलते हैं अगले आ, फेस्टिवल की तरफ जो ज्यादा ज्यादा और सेलिब्रेट करते हैं वो है रक्षाबंधन रक्षाबंधन राखी जिसको आम भाषा में राखी बांधना कहते हैं भाई के हाथ में बहन राखी बांधती है जैसे मैंने कहा एक रिलेटिवली न्यू फेस्टिवल है नया फेस्टिवल है श्रावणी पूर्णिमा सेलिब्रेशन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में होता था और उसके साथ एक दूसरा फेस्टिवल जुड़ गया जिसको आप रक्षाबंधन कहते हैं पर रक्षाबंधन के बारे में भी दो तीन चीजें हिस्टोरिकली चीजें आपको जानने की जरूरत है ये रक्षाबंधन जब भी शुरू हुआ वो इस रूप में नहीं था जिस रूप में आज हम इसको भाई और बहन के प्यार के रूप में बताते हैं इसमें जो रक्षा शब्द है इस फेस्टिवल ऑफ प्रोटेक्शन कौन किसका प्रोटेक्ट करे पहले राजा लोगों की के लिए जो पुरोहित होते थे जो राजा होते थे जो रियल प्रोटेक्टर उनमें एक धागा बांधते थे इस भाव के साथ कि आप हमारे देश की हमारे सोसाइटी के प्रोटेक्टर हो और प्रोटेक्शन का प्रॉमिस लिया करते थे कि आप हमारे प्रजाओं का देश का आप ख्याल रखेंगे आपको पता होना चाहिए प्राचीन काल में जो राजा लोग राजाओं के अठारह तरह के मिनिस्टर्स होते थे अठारह तरह के उसमें जो एक मिनिस्टर का नाम होता था पुरोहित पुरोहित वही जो आपके घरों में मतलब जिसको आजकल आप पंडित जी शास्त्री जी पुजारी जी महाराज जी जो भी बोलते हैं है ना जो भी शब्द आप यूज करते हैं पर ये सब तो वैसे ही थोड़े यूजलेस शब्द होते हैं पर जो, जो रियल शब्द उसके लिए होता था पुरोहित जब हम अनपढ़ होते गए रिलीजियसली पर हम ये उठपटांग शब्द यूज करने लगे पुरोहित बड़ा प्यारा शब्द है हित का समझते हैं हित मतलब वेलफेयर कल्याण पूरा मतलब सामने फ्रंट में जिस व्यक्ति के सामने सामने मतलब फोर फ्रंट में उसके कोई भी काम करे उसके काम के आगे जो उसकी पर्पस रहता था वो उसका कल्याण करना जिसको आप यजमान कहते हैं राजाओं की सभा में जो मंत्री होते थे मंत्रियों की अपनी मजबूरी है आपको पता है जो आज भी जो डिटेक्ट डिटेक्टर्स होते हैं या जो बादशाह होते हैं या जो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। उनके आसपास आप रहो तो आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता है राजा को खुश करना पड़ता है अगर राजा का मूड खराब हो गया आपका गला काट देगा जब से हटा देगा है ना? तो ज्यादातर राजाओं के आसपास रहने वाले लोग चमचा होते थे चमचा समझते राजा को खुश करने वाले राजा पूछे जी बताइए राज्य में सब ठीक है जी महाराज आपकी कृपा से सब खुश हैं। पता चला रा, राज्य में म्यूटिनी नहीं चल रही है करोड़ों लोग दुखी हैं, राजा के खिलाफ स्लोगान कर रहे हैं पर कौन बताए कि राजा आपके राज्य में लोग नाखुश हैं परेशान हैं जो बताएगा वो जॉब से जाएगा नौकरी से जाएगा आज डेमोक्रेसी में भी बहुत कुछ ऐसा होता है आज भी बहुत होता है वो तो घिरे हुए होते हैं ना इनको दरबारी कहते हैं आज की भाषा में तो है ना दरबारी घिरे हुए होते हैं तारीफ करते रहते हैं तो मंत्र उस समय तो और खतरनाक क्योंकि राजा के मुंह से जो निकल गया वो राजा का मूड खराब है इसका सर काट तो दो तो दूसरे समय कट जाएगा कोई थोड़ी ही सुप्रीम कोर्ट है कोई पार्लियामेंट थोड़ी हुआ करता था है ना तो मंत्रियों को सोच समझ के राजा से बात करनी पड़ती थी पर सच्चाई कैसे जाने तो दो लोग होते थे एक तो एक पोस्ट होता था जो जो उनके स्पाय होते हैं ना राजाओं के चार उसको संस्कृत में बोलते हैं चार दूत जासूस जिसको आप कहते हैं तो एक स्पेसिफिक स्पाय होता था उसका नाम होता था दुर्मुख पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है दुर्मुख दुर्मुख का अर्थ मुख दू खराब। खराब अगर वो कोर्ट में आया मतलब राज्यसभा में वो एंट्री किया राजा समझ जाएगा समथिंग इज रॉन्ग और उसको वो अभयदान मिला होता है अभयदान समझते वो वो राजा के पास तभी आएगा कुछ गलत हो रहा हो राजा के खिलाफ कुछ हो रहा हो राजा कुछ गड़बड़ हो रहा हो और उसको यह अभयदान मिला अभयदान मतलब उसको वो फियरलेसनेस के अश्योरेंस मिलता है कि तू तो कुछ भी बोलोगे राजा कितना भी गुस्सा करे तुम्हें पनिश नहीं करेंगे तो राजा को बोलता था कि नहीं महाराज ऐसा सच नहीं है आपके खिलाफ यहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ लोग भूखे पड़े हैं वहाँ प्यासे पड़े हैं आपके मिनिस्टर वहाँ कर जो भी है वो बताता था वो बहुत बहुत डेंजरस जॉब होता था पर और एक व्यक्ति होता था मिनिस्टर्स में से एक उसका नाम पुरोहित जिस जो ये राजा को गुस्सा आए ना आए तब भी वो बोल सकता था हिम्मत के साथ उसको कोई एश्योरेंस की जरूरत नहीं वो है पुरोहित होता था उसको किसी अपनी चिंता नहीं दुनिया की चिंता नहीं वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड होता था और वो राजा को सत्य बताना उसका ड्यूटी राजा के तरफ से ड्यूटी नहीं वो उसकी मोरालिटी होती थी राम की सभा में वामदेव और वशिष्ठ हुआ करते थे कौरवों की सभा में कृपाचार्य को हम देखते हैं द्रोण नहीं द्रोण तो कॉम्प्रोमाइज पर्सन था ये पुरोहित होते हैं ये पुरोहित थे जो राजा से प्रमिश लिया करता था इस पर्व में प्रजा की रक्षा करना आपका काम है और जनरली ये पर्व जब शुरू हुआ तब एक एक ब्रोडर सेंस में शुरू हुआ पति पत्नी आपस में भी रक्षा राखी बांधते थे तो पति पत्नी रिलेशनशिप हो राजा प्रजा हो गुरु शिष्य हो जहाँ भी किसी प्रोटेक्टर की जरूरत है या होता था उसमें बांधते थे पर ग्रेजुअली और ये जो रक, रक्षी रक्षाबंधन आज हम सेलिब्रेट करते हैं कि मोस्टली मोगल पीरियड से पॉपुलर होने लगा जब कुछ फेमस रानिया अपनी जान बचाने के लिए मोगल बादशाहों को कभी को कोई कहता है अकबर है कोई जहांगीर या शाहजहां को राखी भिजवाया कि आप मेरे भाई हो रक्षाबंधन के रूप में राखी बंधवाया प्रोटेक्शन के लिए और धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी और भाई बहन के रिश्ते के रूप में ये आ, आगे बढ़ने लगा पर इसका एक साइड इफेक्ट भी बहुत भयानक हुआ राखी बांधने के कारण नहीं भाई बहन के रिश्ते में देखिए आप लोग बड़े प्रिविलेज होते हैं Uh, इसीलिए आपको लगेगा नहीं हमारे लाइफ में तो नहीं है तो आप क्यों बोलते हो क्योंकि भारत में ऐसा सोसाइटी नहीं है जैसा आप लाइफ जीते हैं भाइयों ने बहनों को बहुत लाइफ बर्बाद किया है आज भी करते जिन्हें लिए भाइयों का काम होता है बहन को कंट्रोल करना छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो है ना बहन अगर किसी से लव किया तो उसको उस लड़की को भी मारो पीटो टांग तोड़ो वो भी भाई का ही काम है और अपने घर में लड़की को भी दरवाजा ये माँ बाप कम करते थे ये सब भाई के द्वारा बेटे के द्वारा करवाया जाता था या भाई इसकी प्रिविलेज लेता था आज भी लेता था शब्द गलत है आज भी होता है बहनों को रेगुलेट में रखना रेगुलेट करना और आपको पता है वो मोस्ट ऑफ ये आपके राजस्थान हरियाणा यूपी, पंजाब के बहुत सारे बेल्ट में आज भी लड़कियां का अगर कोई हो जाए, कुछ हो जाए वो लड़कियों को ही मार दिया जाता है जला दिया जाता है कौन मारता है जलाता है ये भाई साहब जो राखी बंधवाते नहीं चाहिए किसी भाई की प्रोटेक्शन बहन को हमने ऐसा सोसाइटी बनाया जिससे कि मतलब महिलाओं की भला सोकर्ड भला करने वाले लोगों ने ही सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण किया है ये बंद होना चाहिए ट्रेडिशन कि भाई प्रोटेक्टर है किस चीज का प्रोटेक्टर बस दरवाजा बंद करना है कहीं मिलने नहीं जाना कहीं घूमने नहीं जाना गुंडों की तरह बहन के साथ मार पिटाई करना नहीं होना चाहिए अगर प्रेम के निशानी के रूप में राखी रक्षाबंधन को आप प्रमोट करते हैं फाइन भाई बहन के प्रेम को प्रमोट कर रहे हैं रक्षाबंधन उसका प्रतीक है पर रख बचाने के लिए तो 90 परसेंट राखी बांधने वाले भाई बहनों को बहनों के लिए मुसीबत ज्यादा होते हैं हेल्प करने वाले कम होते हैं तो कोई भाई नहीं चाहिए बहन के प्रमोट प्रोटेक्ट करने के लिए आ, भाई बहन की प्यार रहे एक दूसरे को प्यार करे रेस्पेक्ट करे दैट्स डिफरेंट थिंग मेरी बात कभी कभी आपको अजीब लगता होगा पर वो इसीलिए कि हम हमारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ऑस्ट्रीच की तरफ बिहेव करते हैं ऑस्ट्रीच you know, जिनका सर जब तूफान आता है रेगिस्तान में तो अपने सर को रेत के नीचे छुपा देते हैं और सोचते हैं तूफान नहीं आ रहा है पढ़े लिखे प्रिविले, प्रिविलेज लोग सोचते हैं क्योंकि उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है तो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है जब आप अपने बाहर निकलेंगे अपनी जो प्लेजर लाइफ से सोसाइटी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा दुनिया कैसी है तो रक्षाबंधन बड़ा प्यारा पर्व है भाई बहन की प्यार को बढ़ावा मिले और एक इंटरेस्टिंग पर्व है इसके साथ समाप्त करेंगे वो है बलराम पूर्णिमा या गोवर्धन पर्व जैसे शुरू में हमने बताया जन्माष्टमी तो आप अगले हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं बलराम उनके भाई की जयंती श्रावणी पूर्णिमा के दिन होता है हिंदू ट्रेडिशन में बहुत सारे लोग आज के दिन बलराम जयंती के रूप में पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और बलराम रिप्रेजेंट करते हैं गाय बेल खेती है ना किसानी हल इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए भारत में बहुत सारे जगह आज गायों को गाय बेल वगैरह को नहलाया धुलाया जाते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के उनको खिलाया जाता है खिलाया जाता है उनको दिन भर उनके गले में रस्सी नहीं बांधी जाती है अच्छा होता कि उनको साल भर ना बांधे पर जो भी हो एक दिन के लिए भी कम से कम जहाँ ये सेलिब्रेट होता है ये बड़ा खूबसूरत सेलिब्रेट है हम अपने गोवंश का रिस्पेक्ट करना उनकी कंट्रीब्यूशन को रेस्पेक्ट करना और खास करके वो एक प्राणी है तो उस उनके वो प्राणी होने के नाते उनकी लाइफ को रेस्पेक्ट करना जरूरी है बहुत सारे देश राज्यों में बहुत सारे ट्रेडिशन में बलराम जयंती के नाम पर गाय और बैलों की पूजा की जाती है पूजा मतलब रेस्पेक्ट किया जाता है और एक लास्ट फेस्टिवल जो आज के दिन होता है चार फेस्टिवल होते हैं साथ में और वो है संस्कृत दिवस ये अभी 60's और 70's में ही इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूर्णिमा को संस्कृत वर्ल्ड संस्कृत संस्कृत डे दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला किया तो आपको पता है संस्कृत लैंग्वेज ऑफ एनलाइटनमेंट है ना तो संस्कृत भाषा नहीं होती या संस्कृत भाषा ना जाने तो हमारा पूरे इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है इंडियन नॉलेज सिस्टम वो सिर्फ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी नहीं आपको इंडियन इंजीनियरिंग जानना है तो भी संस्कृत जरूर जानना जरूरी है क्योंकि पिछले 500 साल से तो कोई इंडियन ने कोई इंजीनियरिंग पर कोई ओरिजिनल बुक तो लिखा नहीं है ना जो भी यहाँ लिखा है वो मेडिकल साइंस हो इंजीनियरिंग हो आर्किटेक्चर हो स्कल्पचर हो आर्ट हो हो लॉ हो पॉलिटिक्स हो इकोनोमी हो स्पिरिचुअलिटी हो फिली हो कुछ भी लिखा है तुम्हारे ने लिखा हम तो आजाद हिंदुस्तान के लोग हैं ब्रिटिश अंग्रेजी के अंग्रेजी से प्राउड फील करने वाले लोग हैं हम कॉपी कैट के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाए हम तो कॉपी कैट हैं जो भी इंडिया में ओरिजिनल थॉट्स पैदा हुआ वो सब तुम्हारे अंसेस्टर ने किया और जो लिखा वो संस्कृत में लिखा है जब भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जानना है इंडियन मुझे इंडियन पॉलिटिक्स क्या है जानना है तो उसको संस्कृत पढ़ना पड़ता है आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में इंडियन लिटरेचर क्या है उसको संस्कृत जानना जरूरी है इंडियन इंजीनियरिंग जानना है तो उसको संस्कृत पढ़ना जरूरी है इंडियन फिलोसफी जानना है तो संस्कृत पढ़ना जरूरी है जो भी इंडोलॉजी है इंडिया से इंडिया की हिस्ट्री कल्चर नॉलेज पूरा जो इंडिक नॉलेज सिस्टम है उसका जो 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 सोर्स है वो संस्कृत भाषा है केवल महाभारत रामायण वेद गीता बोल देने से नहीं चलेगा ये तो उस संस्कृत में लिखे गए लिटरेचरों का एक छोटा सा हिस्सा है जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल पार्ट को बिलोंग करते हैं आज भी किसी को पूछो संस्कृत क्यों पढ़े बोलेगा वेद गीता रामायण महाभारत ये एक छोटा सा हिस्सा है संस्कृत में लिखे गए लिटरेचरों का अगर आप प्राचीन काल के संस्कृत में लिखे गए लिटरेचरों की लिस्ट बनाए ये मेरी बात नहीं यूरोप के पढ़े हुए किसी संस्कृत स्कॉलर की बात है और ये सेंचुरी में वो बोलता है कि पूरे यूरोपियन लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनको मिला दिया जाए संस्कृत में लिखे गए लिटरेचर उससे ज्यादा होंगे आज नहीं होगा क्योंकि पिछले हजारों सालों से संस्कृत में हम बहुत कम हमारे पास रियल लिटरेचर ओरिजिनल लिटरेचर होते हैं पर जो भी लिटरेचर आपको कभी भी भारत समझना हो इंडिया क्या है भारत क्या है यू हैव टू गो टू लर्न द संस्कृत इसीलिए संस्कृत का महत्व है और उसी उसी महत्व को याद रखने के लिए श्रावणी पूर्णिमा में हम संस्कृत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो ये फेस्टिवल ये श्रावणी पूर्णिमा स्वाध्याय का पर्व है फेस्टिवल ऑफ स्टडी सेल्फ स्टडी ये रक्षाबंधन है फेस्टिवल ऑफ प्रोटेक्शन ये गोवर्धन और बलराम पर्व है फेस्टिवल ऑफ आवर कैटल और ये संस्कृति संस्कृत पर्व है फेस्टिवल ऑफ आवर ओन कल्चर ओन सिविलिटी का है तो इस इतने खूबसूरत पर्व को आप जरूर सेलिब्रेट करिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर